अरे मोदी जी, आम क्या रेट बेच रहे हो? आम खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या रेट बेच रहे हो? आम का रेट बताना जरा, क्या लंगड़ा आम है ये तुम्हारा, लंगड़ा? अखिलेश एक बात खुल के सुन लो, मैं लंगड़े घोड़े को कभी भी रेस में नहीं दौड़ाता। मैं 20 किलो आम लाया था, मुश्किल से 2 किलो आम रह गए मेरे पास। अगर ये आम लंगड़ा होता तो यहीं पे पड़े होते सारे 20 के 20 किलो, सारे के सारे बिक गए। मैं लंगड़ा आम नहीं रखता, मैं बिल्कुल ठीक आम रखता हूँ जो सही सलामत हो। और आम का रेट वही मान लो 50 रुपए किलो, समझे, 50 रुपए किलो ले लो। अरे मोदी जी कैसी बात कर रहे हो, अगर 30 रुपए किलो में देना हो तो आम दे दो, वहां पर केजरीवाल 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, 30 रुपए किलो दे दो। देखो भाई अखिलेश, एक बात खुल के सुन लो, मैं जानता हूँ तुम मोल भाव बहुत करते हो, अरे मोदी जी ने तुम्हें 50 रुपए का रेट बता तो दिया, मैं तो 60 रुपए किलो बेच रहा हूँ, समझे, ये मेरे पार्टनर हैं, हम पार्टनरशिप में आम लाए हैं, समझे, तुम्हें एक रेट 40 रुपए किलो लगेगा, लेना हो लो, नहीं लेना हो तो बताओ। अरे योगी जी भड़को मत, दे दो, 30 रुपए में दे दो, वहां पर 30 रुपए किलो केजरीवाल बेच रहे हैं, दे दो 1 किलो आम, मुझे पता है तुम तीनों लोग पार्टनरशिप में लाए हो आम, मोदी जी, योगी जी और राहुल, तुम तीनों लोग लाए हो साथ में आम और साथ ही में बेच रहे हो। देखो भाई अखिलेश, योगी जी ने 40 रुपए बोल तो दिया, मैं तो वो भी 40 रुपए नहीं बोलता, ये आम देख रहे हो, डाल का आम है, बिल्कुल एक एक पत्ती लगी हुई है, बिल्कुल डाल से तोड़ के लाए हैं अभी, ये पाल का नहीं है, तुम्हें एक रेट 35 रुपए किलो लगेगा, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो बताओ। मैं इन दोनों पार्टनर से नहीं पूछ रहा हूँ, अपनी तरफ से रेट बता रहा हूँ, बताओ लोगे 35 रुपए? अरे भाई राहुल 30 ही रुपए किलो लगा दो, 30 रुपए किलो, और केजरीवाल बेच रहे हैं, मैंने बताया नहीं, अभी मोदी जी ने 50 रुपए किलो बताया, योगी जी तुमने 40 रुपए किलो बताया, और राहुल तुम 35 बता रहे हो, अब 5 का है तो फर्क रह गया, 30 रुपए किलो लगा लो। चलो ठीक है अखिलेश, लो 30 रुपए किलो में लो ये आम, समझे, क्या बताएं तुम्हें, देना पड़ता है, हमारे पास मुलायम सिंह यादव बैठे रहते हैं टाइम पास में, हमारा टाइम पास होता रहता है, इसीलिए तुम्हें दे दे रहा हूँ, वैसे मैं नहीं देता। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे मोदी जी एक बात पूछूं आपसे, ये आपने सपेरे का काम कब से चालू किया है, कब से आप सपेरे बने हैं, और कितना हुनर है आपके पास, सांप को यूं ही हाथ में पकड़ लेते, उठा लेते, बहुत बढ़िया हुनर है, क्या इनके दांत टूटे हुए हैं? मोदी जी एक बात बताना, ये जो सांप है आपकी टोकरी में, ये क्या इनके दांत टूटे हुए हैं? अखिलेश कैसी बातें करते हो, इस तरीके की बातें मत किया करो, मेरे जितने भी सांप हैं इनके सारे के सारे सांपों के दांत पूरे के पूरे हैं, और रही काटने की बात, ये बिल्कुल नहीं काटती हैं, ये मुझसे हिले हुए हैं, तुम हाथ में उठा लो, आओ उठाओ, उठाओ हाथ में। अरे मोदी जी मैं किसी हाल में नहीं उठाऊंगा, क्या मरवाओगे मुझे, एक तो तुम बता रहे हो कि दांत हैं इसके पूरे के पूरे, समझे, मैं कैसे उठा लूंगा, अरे दांत टूटे हुए होते इनके तो उठा भी लेता मैं नहीं उठाऊंगा, वो योगी जी बैठे हैं दूर को, उनसे उठवाओ, समझे, वो ही उठाएंगे। योगी जी कैसे दूर दूर बैठे हो, इधर आओ, पास में आओ, मेरे सांपों को देखो, इनका करामात देखो, मैं कैसी कैसे खेल दिखाता हूँ इनके साथ, आ जाओ पास में आओ। मोदी जी मैं दूरी बैठा सही हूँ भैया, मैं अखिलेश जैसा हिम्मत ही नहीं हूँ जो बिल्कुल अड़के बैठ जाए सांपों के पास, मैं भाई दूर से ही देख रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है सांपों से, मैं नहीं बैठूंगा पास में, मुझे दूर से ही देखने दो सांपों को। वैसे मोदी जी खिलाते क्या हो इनको, क्या चीज खिलाते हो, ये खाते क्या है? अरे योगी जी कोई चीज नहीं खिलाता हूँ इन्हें, इन्हें मैं पिलाता हूँ सिर्फ दूध, गाय का दूध पिलाता हूँ, और बड़ा शौक से पीते हैं ये दूध। वैसे मोदी जी आपकी बीन कहाँ पर है जिससे सांप को लहरे में लाया जाता है, बीन बजाओ जल्दी बजाओ, ये लहरे में आएंगे फिर सांप तुम्हारे, समझे, बीन बजाओ जल्दी। अरे अखिलेश मैं तो बीन लाना भूल ही गया, मैं जिनसे इन्हें कंट्रोल करता हूँ बीन से, वो बीन तो घर ही रह गई, ये जरा से भी बिदक गए तो समझे बड़ा मुश्किल हो जाएगी, जल्दी से इनके ढक्कन बंद करवाओ, करवाओ जल्दी। अरे मोदी जी हम क्यों बंद करवाएं ढक्कन, तुमने खोले हैं तुम ही बंद करवाओ, अब तुम बीन घर भूल गए हम क्या करें, जल्दी से खुद ही बंद करो। अरे योगी जी खुद बंद करने को कह रहे हो, भागो यहाँ से, जान बचा के भागो, अब ये बिदक जाएंगे, जल्दी भागो। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे मोदी जी आज स्कूल में आपका पहला दिन है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, समझे, पहले तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे,
अरे तुम्हारा एडमिशन हो गया, मेरा भी एडमिशन करवा दो। अरे समझे, टेस्ट बता दो, टेस्ट क्या हुआ था तुम्हारा इंग्लिश मीडियम में, मुझे भी टेस्ट बता दो, तुम्हारा कौन से क्लास में एडमिशन हुआ है, बताओ मोदी जी बताओ। देखो भाई योगी जी, प्रश्न तो बहुत बहुत कठिन पूछे गए थे टेस्ट में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ बहुत कठिन कठिन सवाल पूछे गए थे, मैंने टेस्ट पास किया तभी मेरा एडमिशन हुआ है, समझे। मैं सेकंड क्लास में हूँ और ये अखिलेश फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ है इसका, टेस्ट बहुत कठिन पूछा गया था, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अरे कुछ बताओ तो मोदी जी, कुछ बताओ, मैं भी एडमिशन कराना चाहता हूँ, बताओ क्या टेस्ट हुआ था, मैं कल को एडमिशन कराने जाऊँ तो मेरा टेस्ट हो, मुझे कम से कम पता तो हो। कि सबसे पहला प्रश्न तो पूछा गया मुझसे कि ए से पहले क्या आता है और जेट के बाद क्या आता है, समझे, ये पूछा गया। और फिर मुझसे पूछा गया पृथ्वी कैसी है, त्रिकोण या चौकोर। अरे मोदी जी ये बताओ तुमने इनके जवाब क्या दिए, इसके जवाब तो मुझे भी पता नहीं है और शायद दुनिया में किसी को भी पता नहीं होंगे। अरे उन्होंने पूछा पृथ्वी कैसी है, चौकोर या त्रिकोण, उन्होंने गोल वाला तो ऑप्शन रखा ही नहीं कि गोल है। अरे योगी जी टेंशन मत लो, हमने भी जवाब ऐसे ही दे दिया, हमने कहा पहले तुम बताओ ए से पहले क्या आता है और तुम बताओ जेट के बाद क्या आता है, समझे, फिर हम बता देंगे। अरे फिर क्या हुआ अखिलेश, फिर क्या हुआ जब तुमने इस तरीके से उल्टा पूछ लिया उनसे जवाब, फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया। अरे उन्हें जवाब क्या देना था, उन्होंने कहा तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुम तो उल्टा आके हमें पढ़ा दोगे, तुम्हारा एडमिशन हो गया, हम तुम्हारा एडमिशन करते हैं इंग्लिश मीडियम में, आज के बाद तुम यहीं पे पढ़ोगे। अरे मोदी जी तुमने तो कच्चा खिला दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों को, समझे। और योगी जी स्कूल वालों ने, इंग्लिश मीडियम वालों ने ये भी कहा है कि तुम्हारे जैसे दो चार स्टूडेंट और हो उन्हें भी ले आना जो ऐसा जवाब दे सके हमें। अरे मुझे लगता है तुम्हारा भी एडमिशन हो जाएगा, तुम भी चले जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि तुम भी हमारी तरह हो लगभग, तुम भी अच्छा जवाब दोगे। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे मोदी जी मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तुम अकेले अकेले कोयले के काम पर लग गए, मुझे बताया भी नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी काम मिले तो मेरी भी बात कर लेना, लेकिन तुमने अकेले ही अकेले काम पे लग गए और अखिलेश को भी लगा लिया। देखो योगी जी मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, इस टाइम सबको अपनी अपनी पड़ी है, काम कम है और काम करने वाले ज्यादा है, बेरोजगारी फैली हुई है, समझे। अरे मुझे ही बड़ा मुश्किल से काम मिला, अखिलेश अपना जुगाड़ उसने खुद लगाया है, कोई मैंने थोड़ी लगवाया है अखिलेश को। और कोयले के काम तुम ना करो तो ही ठीक है, बहुत बुरा काम है, बड़ा मेहनत है, हाथ पैर काले हो जाते हैं, अरे 20 रुपए का तो साबुन लगता है हाथ मुंह धोने में, कोयले के काम पर तुम मन लगो। अरे कोयले के काम पर मैं क्यों ना लगूं मोदी जी, ये बताओ तुम नहीं कर रहे हो, तुम उससे ज्यादा मजबूत हो, अरे मुझे क्या कमजोर समझ रखा है तुमने। अरे मैं भी लगूंगा काम पर, अरे अपने मिल मालिक से बात करना कि मुझे भी काम पे लगा ले, लगवा दो मुझे भी काम पर। अरे तुम्हारी इतनी बात नहीं मानेगा मिल मालिक, मुझे मालूम है तुम्हारी मानता है, लेकिन तुम मुझे लगाना ही नहीं चाहते हो अपने साथ। अखिलेश तुम ही लगवाओ मुझे काम पर, ये मोदी जी तो नहीं लगवाएंगे काम पर, ये तो अकेले ही अकेले काम करना चाहते हैं, समझे, लगाना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल, तुम लगवाओ, तुम किस तरीके से लगे हो, तुमने कौन सा जुगाड़ फांसा था। अरे योगी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं भी कहां पे लगाऊं, राहुल छुट्टी पर गए हुआ है, अपने गांव गए हुआ है, 2 दिन के लिए गांव गया हुआ था, उसी की जगह पे काम पे लग गया हूँ मैं 2 दिन के लिए। अरे 2 दिन बाद राहुल आ जाएगा, मुझे हटना पड़ेगा, मैं तुम्हारी तरह खाली हो जाऊंगा, बिल्कुल बेरोजगार हो जाऊंगा जैसे तुम खाली फिर रहे हो। तो अखिलेश इसका मतलब तुम परमानेंट नहीं लगे हो, तुम राहुल की जगह लगे हुए हो, क्यों। अरे मैं समझ रहा था तुम परमानेंट हो, चलो कम से कम तुम भी साथ बेरोजगार तो हो। अरे योगी जी मोदी जी सही कह रहे थे, ये कोयले का काम वैसे भी नहीं करने का है, मैं भी छोड़ ही दूंगा, समझे, चाहे राहुल आए चाहे ना आए, मैं तो इसे वैसे ही छोड़ने वाला हूँ आज। अरे बहुत मेहनत है इसमें, हाथ पैर बिल्कुल काले हो जाते हैं और साबुन खर्च होता है अलग, जो अभी मोदी जी बता रहे थे। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे क्यों भाई अखिलेश, तूने कहा था कि खेल खेलेंगे, खेल खेलने के बहाने से तू यहाँ पे मछली फंसाने के लिए ले आया, अरे खुद तो तू मछली फंस रहा है, मछली फंस के बाजार में बेचेगा जाके, खुद पैसे कमाएगा और हमें बेफालतू में बैठा दिया है यहाँ पर। अरे हमें क्यों बैठा ला, अरे हमें तू झूठ बोल के क्यों लाया यहाँ पर, मुझे भी ले आया और योगी जी को भी ले आया। अरे मोदी जी सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये तो अपना बिजनेस कर रहा है, मछली पकड़ के जाके बाजार में बेचेगा और पैसे कमाएगा और हम भी फालतू से बैठे पड़े हैं यहाँ पर, मैं नहीं बैठूंगा इसके पास में, मोदी जी तुम भी चलो, इसने तो परेशान करके रख दिया है, 2 घंटे से इसकी मछली नहीं फंसी है एक भी। अरे योगी जी सही कह रहे हो, 2 घंटे हो गए मछली नहीं फंसी, अरे फंस गई मछली योगी जी, फंस गई, देखो ये एक मछली फंसी है, बड़ा मोटी मछली है, ओहो
शुरुआत हो गई, अब इसे पकड़ के दो चार मछली और आ जाए बाजार में बेचूंगा, फिर पैसे हो जाएंगे। मोदी जी चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? मैं तो चल रहा हूँ, समझे? मैं इसके मछली के धंधे में बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। ये बेजुबानों को पकड़ता है और जाकर बेचता है, मैं साथ नहीं दूंगा। मैं तो जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। चलो मोदी जी, चलो योगी जी, चलो, ये तो पैसे का लोभी है, इसे यहीं पे छोड़ चलते हैं जंगल में, अकेला फंसाता रहेगा मछली। ये भी तो अपनों को झूठ बोल के फंसा के यहाँ पे लाया था, चलो जल्दी चलो। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।